एससी वर्मा, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 22, बैटरी ऑफ EMF 100 वोल्ट एंड रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 किलो ओम आर जॉइंट इन सीरीज। दिस सिस्टम इज यूज्ड एज अ सोर्स टू सप्लाई करंट टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर R। इफ R इज नॉट ग्रेटर देन 100 ओम, द करंट थ्रू इट इज कॉन्स्टेंट अप टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, फाइंड इट्स वैल्यू। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंट करंट सोर्स। तो एक बैटरी जिसका EMF 100 वोल्ट रहेगा और एक रजिस्टर 10 किलो ओम का इस सीरीज में कनेक्ट किए हुए है और ये सिस्टम सोर्स ऑफ करंट एक्ट कर रहे हैं और इस सिस्टम को एक एक्सटर्नल सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 100 ओम रहेगा, मतलब 0 से लेकर 100 तक उसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, हमें जो करंट मिलेगा वो करंट कितना होगा ये फाइंड करना है और वो करंट कॉन्स्टेंट ही करंट आएगा ऐसा क्वेश्चन में कहा है, हमें भी वही दिखाना है कि कितना करंट रहेगा। तो इस केस के लिए हम R की जो वैल्यू रहेगी रजिस्टर वो इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक R की वैल्यू सबसे कम 0 ले लेंगे, R की वैल्यू 1 ओम ले लेंगे और R की वैल्यू इक्वल टू 100 क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 100, तो 0 से लेकर 100 तक कोई भी और वैल्यू लेते हैं तो वहां पे करंट कॉन्स्टेंट आता है कि या नहीं हमें चेक करना है। तो इस केस में करंट पहले तो कितना रहेगा, करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R, तो E अपॉन R, R मतलब ये 10,000 प्लस ए एक्सटर्नल R, ये रहेगा करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। अब पहले केस के लिए मतलब R इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो करंट कितना मिलेगा, I इज इक्वल टू E की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 0 मतलब ये आएगा, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है इस केस में, ये 0.01 एम्पियर, ये पहले केस में करंट रहेगा। अगर R की वैल्यू 1 ओम लेते हैं यहाँ पे तो सेकंड केस में देखते हैं, अगर R इज इक्वल टू 1 मतलब 0 टू 100 के बीच की एक वैल्यू ले ली तो R इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे I इज इक्वल टू E की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 1 मतलब I इज इक्वल टू 100 अपॉन 10,001, तो यहाँ पे 100 को डिवाइड करना है 10,001 से, तो यहाँ पे 3 0 ले देते तो यहाँ पे 10,000 और 10,000 से बड़ा नंबर है तो यहाँ पे इंटू 10^-3 कर लेते, तो अब ये डिवाइड करेगा तो I इज इक्वल टू 9 point something आ जाएगा, 9.99 आता जाएगा इंटू 10^-3 मतलब I मिल रहा है हमें 0.009 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आंसर चाहिए, तो I इज इक्वल टू बनेगा इसे राउंडिंग ऑफ करते 0.01 एम्पियर, ये रहेगा करंट। थर्ड केस में अगर R की वैल्यू 100 ओम ले लेते तो I इज इक्वल टू ये 100 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 100 ये आएगा 10,100, तो I इज इक्वल टू अब यहाँ पे भी 10,000 एंड 100 तो यहाँ पे 1000 एंड 10,000 उससे बड़ा चाहिए तो 3 जीरो ले लिए तो यहाँ पे 10^-3 करेंगे तो I इज इक्वल टू अब ये इसे डिवाइड करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो ये इससे बड़ा हुआ तो 9 से करना पड़ेगा 9 और आगे भी कुछ आ जाएगा ये पॉइंट समथिंग इंटू 10^-3 तो I इज इक्वल टू ये भी आएगा 0.009 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें यही आंसर मिलेगा, मतलब रेजिस्टर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम 0 to 100 तक चेंज करते हैं तो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक एक ही वैल्यू मिल रही है मतलब कांस्टेंट करंट मिल रहा है और क्वेश्चन में ही कहा है कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट करंट।